त्रयोदशी व्रत महत्तम। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उससे संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत को करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानी होती है और सुहागन स्त्रियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाश पति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 कऊ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान और तन मन धन से करते हैं उनके सभी दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोमवार त्रयोदशी अथवा सौम्य प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महत्तम वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र होकर शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और उन्हें अर्घ दें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर स्तुति करें कि हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा और गृह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसका क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो कुछ भी भिक्षा मिलती उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत ही खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहाँ गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या के साथ बात करता हुआ रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लेकर आई। उनको भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। शौनक ऋषि सूत जी से बोले, कृपा करके अब आप हमें मंगल की कथा का और वर्णन कीजिए। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।